यहाँ का मुसलमान डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर करता है, बीटेक करता है, पॉलिटेक्निक करता है, आईआईएस बनता है, देश के बॉर्डरों पे जाता है। हम उनकी तरह हिंसा के काम नहीं करते। यहाँ का मुसलमान अपराध नहीं करता। ये तो पाकिस्तान है, वहाँ का पाकिस्तान के वे लोग जाने हमें उनसे क्या मतलब है। इनका कहना यहाँ सही है कि आप देखो सब मंदिर बन रहा है, अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, दुबई में मंदिर बन रहा है, सब जगह मुस्लिम कंट्रियों में मोदी का जय जयकार हो रहा है। तो मोदी जब तक है तो सब मुमकिन है। भारत का विकास, भारत की तुमसे शादी करना चाहती है, वो कह रही है सनातनियों से शादी करोगे। अरे तुम तो तिलक धारी हो भाई, बुरा काहे मान रहे हो। अब तो वहाँ की लड़कियां कह रही है कि भैया हम सनातनी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो आटा भी 160 रुपए लीटर हो गया है। मतलब इनको आटा देके सनातनी, आटा देके सनातनी कभी किसी गैर मजहबी वाले को, पहले सुनो, आटा दे करके किसी गैर मजहबी को सनातनी नहीं बनाता है। सनातन हिंदू तो कभी आटा चावल देकर हिंदू नहीं बनाता है, ये वो बनाते हैं जिनको अपने धर्म पर अब विश्वास नहीं है। पूछा कि आप हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेगा आज की स्थिति देखकर? अभी आप पाकिस्तान के अंदर वीडियो देखे होंगे, आटे के लिए झगड़ा हुआ होगा, समझे? आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आटा कैसे कितनी महंगाई है। पाकिस्तान का काम रहा हमेशा हिंदुस्तान को गाली बकना, अफगानिस्तान को गाली बकना, तालिबान को गाली बकना। आप जब अपने आप को देखोगे ना तो हमेशा फायदे में रहोगे। वो ऐसा बंदा है कि पाकिस्तान के लिए मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को दूसरे की लुगाई और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। जिस तरीके तो उनके जैसे उनके ये हालात है, उनके हाथ में कटोरा गया, क्या किस क्या कारण देखते हैं आप इसको? मोदी जी को कि बड़ी वाली परात भिजवा दो वहाँ पे, कटोरा वटोरा तो बेकार है, क्योंकि जिस हिसाब से वो भीख मांग रहे हैं, मैडम एक मिनट सुन लो, जिस हिसाब से वो भीख मांग रहे हैं, तो मोदी जी से एक बात तो बोलो कि उनसे दोस्ती की कोई बात ना करे, उनके हाथ में कटोरे के बजाय जो है ना परात भिजवा दो, कि वो परात में भीख मांग ले। नहीं तो आपको बताने के लिए इन जैसे लोग ना पढ़े लिखे मुसलमान हैं देश में। हम कुत्ते की पूछ को जब पाल के रखेंगे तो हमेशा वो टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है। अभी ये मौलवी जी ने कहा, जो हमारे मुस्लिम भाई ने कहा कि वहाँ के सुधरने वाले नहीं है। हमने कांग्रेस की राज में हमने उनको क्या क्या दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इमरान खान ने खुद हमारा भारत से टेढ़ बंद कर दिया कि हमें भारत से कोई दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो जैसे उसने कुआं खोदा है, खाई खोदा है, वो पाकिस्तान के लिए खोदा है। हिंदुस्तान उसके लिए हमेशा अभी भी तहो दिल से तैयार है। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया हमारे रक्षा मंत्री जी का, वासुदेव कुटुंब, हम पूरे विश्व को परिवार को लेके बांधते हैं, लेकिन वो उनकी नीयत नहीं है ठीक है, और नीयत ठीक होने के नाते वो अभी परेशान है। यहाँ के मुसलमान को देखिए आप कितने अच्छे तरीके से रहता है, हिंदुओं के बीच में प्रेम से रहता है, भाईचारे से रहता है। वहाँ के देखिए कि हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार किया रखा है मुसलमान, उनके पास शिक्षा नहीं है। सर आज पाकिस्तान के जिस तरीके से आप हालत देखते हैं, वहाँ जिस तरीके से भूखमरी है, आटे को लोग तरस रहे हैं, आप इस पर क्या विचार करते हैं? देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा नहीं दी उन्हें, वे क्राइम करते हैं, वे अपराध करते हैं, चोरियाँ करते हैं, वे कहीं बम ब्लास्ट करते हैं, वे इस तरीके के में डिप्रेशन में लोग हैं। हमारी तुलना उनके मुसलमान के साथ कर रहे होगा आप? हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हमारे पास शिक्षा है। जब से मोदी जी आए यहाँ का देश का मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ गई है, शिक्षा दी है। यहाँ का मुसलमान डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर करता है, बीटेक करता है, पॉलिटेक्निक करता है, आईआईएस बनता है, देश के बॉर्डरों पे जाता है। हम उनकी तरह हिंसा के काम नहीं करते। यहाँ का मुसलमान अपराध नहीं करता। ये तो पाकिस्तान है, वहाँ का पाकिस्तान के वे लोग जाने हमें उनसे क्या मतलब है। हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ के मुसलमान की बात करेंगे। यहाँ के मुसलमान को देखिए आप कितने अच्छे तरीके से रहता है, हिंदुओं के बीच में प्रेम से रहता है, भाईचारे से रहता है। वहाँ के देखिए कि हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार किया रखा है मुसलमान, उनके पास शिक्षा नहीं है। तो यहाँ का देश का मुसलमान की आप उसके साथ तुलना ना करो। सर जिस तरीके से बॉर्डर पर जो सीज फायरिंग होती थी उसको लेकर आपका क्या विचार? देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से हमारा देश बहुत सुरक्षित है, इतने बम ब्लास्ट, इतने आतंकवादी नहीं कहीं से घुसते, चारों तरफ हम तो आज बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है पूरा देश का आदमी। कोई अपराध किसी तरीके से कोई समस्या नहीं है, ना अपराध है, क्राइम को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, देश हमारी बहुत अच्छे दिशा में आज बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया। और मैं देश की जनता से कहता हूँ, आप पत्रकार हो, आप देश की जनता को बताओ जाकर हमें क्या दिया, हमें हिंदुस्तान ने दिया सब कुछ, जल, हर सब कुछ। क्या नाम? मेरा नाम आसिफ हुआ। समझे, बताइए आपके मन में क्या? अभी जो मुद्दा उठा थे कि पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। चूंकि मैंने पूछा कि आप हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेगा आज की स्थिति देखकर?
अभी आप पाकिस्तान के अंदर वीडियो देखे होंगे आटे के लिए झगड़ा हुआ होगा समझे, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आटा कैसे कितनी महंगाई है, अभी लोग महंगाई महंगाई कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है, चूँकि मैं अभी तो इंडिया का हालात मुझे मालूम है चूँकि काफ़ी दिन से मैं नहीं था, तो पाकिस्तान की करेंसी क्या है और इंडिया का करेंसी क्या है समझे, और पाकिस्तान से अभी दुबई के अंदर में मंदिर बनी है, मंदिर बनी कब, दूसरी मंदिर अबू धाबी में बन रही है वो बनी कब, दूसरी भी बन रही है, दूसरी भी बन रही है अबू धाबी में वो बनी कब, तो एक प्यार मोहब्बत से मोदी ने गए वहाँ पे बात किया कि भाई यहाँ ऐसे बननी चाहिए, वो लोग भी उनकी बातों को समझे कि हाँ भाई यहाँ भी, चूँकि मंदिर तो बहुत सालों पहले नहीं बनी, अभी आपको मालूम होगा कि मंदिर की ओपनिंग अभी 6 महीने साल भर पहले ओपनिंग हुई थी, मैं भी गया था उस मंदिर में समझे, अब मेरे करीब में जबलली में मंदिर बनी, तो जब गल्फ कंट्री के अंदर में मंदिर बन जाना वो भी मोदी जी के इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उन्होंने कितना बड़ा मतलब एक ये दिया। प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्यों नहीं देखने को मिलती है फिर? ठीक है, वो एक काफ़ी टाइम से जो है सुकी ने इसका कश्मीर का मुद्दा लेकर के और कुछ अलग टेररिज्म को लेकर के आप ये प्यार मोहब्बत नहीं हो पाई, लेकिन वो इंशाल्लाह वो जहर उगलता है, सही कह रहे हैं, वो जहर इतनी भूखमरी आना, मतलब जिस तरीके से पानी को तरस रहे लोग, आटे को तरस रहे, महंगाई उनके हाथ में कटोरा आ गया है, तो क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे कारण है कि वहाँ की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर में, उन्होंने लूटना ही चाहा, क्योंकि जब जो भी गवर्नमेंट, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे कोई भी 5 साल पूरा नहीं किया है कोई भी, लेकिन आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि कोई भी 5 साल से पहले नहीं छोड़ा जी, अब मोदी जी को देख लें 10 साल से हैं, कितने हैं जो मोदी जी को 2 महीने में छोड़वाने के लिए तैयार है क्या, लेकिन 10 साल से आगे भी जब तक चलेंगे रहेंगे। मैडम एक बात बताइए, देखिए जय श्री राम, जय हिंद, मैं दिल्ली का दीपक हूँ, ये लड़का इसको मैं भाई तेरे को जानता हूँ, मैं झूठ मत बोलियो, ये लड़का कहाँ से आया इससे पूछो, ये कहाँ काम करता है, शकल पे मत जाना, मैं तो रहने वाला यही है, मैं जॉब करता हूँ दुबई के अंदर, दुबई में, और मैं क्या कह रहा है कि आज वहाँ 2 मंदिर बन गए, मंदिर बनने से ठीक है कोई किसी को फायदा नहीं है, मगर अब क्यों बने मंदिर, हमारी भी तो आस्था है, अगर हमारे लिए बना रहे हो, अभी ये जो राम मंदिर बन रहा है 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, तो क्या वहाँ पर जो है वो बंदे क्या कोई बाहर से बुलाए गए, मैं पाकिस्तान के हालात का तो पूछो भी मत, ये जब तक आप एक बात बताऊं, अगर आप अपने बारे में देखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पाकिस्तान का काम रहा हमेशा हिंदुस्तान को गाली बकना, अफगानिस्तान को गाली बकना, तालिबान को गाली बकना, आप जब अपने आप को देखोगे ना तो हमेशा फायदे में रहोगे, वो ऐसा बंदा है कि पाकिस्तान के लिए मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को दूसरे की लुगाई और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, ये पाकिस्तान की सोच है, जिस तरीके तो उनके जैसे उनके ये हालात है, उनके हाथ में कटोरा गया, क्या किस क्या कारण देखता है मोदी जी को कि बड़ी वाली परात भिजवा दो वहाँ पे, कटोरा वटोरा तो बेकार है, क्योंकि जिस हिसाब से वो भीख मांग रहे हैं, मैडम एक मिनट सुन लो, जिस हिसाब से वो भीख मांग रहे हैं, तो मोदी जी से एक बात तो बोलो कि उनसे दोस्ती की कोई बात ना करे, उनके हाथ में कटोरे के बजाय जो है ना परात भिजवा दो, कि वो परात में भीख मांग ले, नहीं तो आपको बताने के लिए इन जैसे लोग ना पढ़े लिखे मुसलमान है देश में। जी जी आप बोलिए मैडम, क्या सवाल आपका, सवाल क्या, आप क्या पूछ रहे हैं? ये मेरा पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उनके हाथ में जो कटोरा आ गया, इस पर आपकी क्या राय? बात हुई है कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं थी, अब भाजपा की जब सरकार आई, मोदी की सरकार, तो क्यों हुई, रीजन इसकी क्या है कि हम टीट फॉर टैट करना जानते हैं, हम कुत्ते की पूछ को जब पाल के रखेंगे तो हमेशा वो टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है। अभी ये मौलवी जी ने कहा, जो हमारे मुस्लिम भाई ने कहा कि वहाँ के सुधरने वाले नहीं है, हमने कांग्रेस की राज में हमने उनको क्या क्या दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इमरान खान ने खुद हमारा भारत से टेढ़ बंद कर दिया कि हमें भारत से कोई दोस्ती नहीं करना चाहिए, तो जैसे उसने कुआं खोदा है, खाई खोदा है, वो पाकिस्तान के लिए खोदा है, हिंदुस्तान उसके लिए हमेशा अभी भी तहो दिल से तैयार है। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया, हमारे रक्षा मंत्री जी का, वासुदेव कुटुंब, हम पूरे विश्व को परिवार को हम लेके बांधते हैं, लेकिन वो उनकी नीयत नहीं है ठीक है, और नीयत ठीक होने के नाते वो अभी परेशान है और परेशान रहेंगे ही। बोलिए मैं, इतनी भुखमरी आना कि उसका क्या कारण है, इतना ज्यादा के खुद जिम्मेदार है, हमारे भारत से उन्होंने खरीदना सब सामान बंद कर दिया, इमरान खान ने खुद ट्रेड बंद कर दिया इंडिया के साथ, तो कहाँ जाएंगे, जो हिंदुस्तान उनको देता था आज वो ले नहीं रहे, और वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो अपने प्रधान जो भी हैं, वो भारत से रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो कश्मीर जो मुद्दा है मेन मुद्दा अब वहाँ पे नहीं रह गया, वहाँ पे मेन मुद्दा महंगाई का रह गया, बिजली कट जाती है 8 बजे बंद हो जाती है,
तो वहाँ पे सब महंगाई है और वहाँ की जनता परेशान है। इनका कहना यहाँ सही है कि आप देखो सब मंदिर बन रहा है, अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, दुबई, रुको यार, दुबई में मंदिर बन रहा है, सब जगह मुस्लिम कंट्रियों में मोदी का जय जयकार हो रहा है। तो मोदी जब तक है तो सब मुमकिन है, मुमकिन है। आप पाकिस्तान में रहती हैं, मैं पाकिस्तान रहता हूँ, ये पाकिस्तान रहते हैं। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा आ जाए हमारी तरफ से, कल का आता अभी आ जाए इसी वक्त, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब है हिंदुस्तान से, हम हिंदुस्तान में रहते हैं भाई साहब। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। 1971 में मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। अब हमें यहाँ, हमारी समस्या यहाँ की है, दिल्ली की, हिंदुस्तान की। पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी देश है हमारा, इसको लेकर के आपके कांग्रेस ने ही दो टुकड़े कर रहे थे, कांग्रेस ने ही दो टुकड़े कर रहे थे पाकिस्तान के। फायदा क्या हुआ? रिश्ता किसने किया? मोदी ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक। नहीं नहीं, अगर कांग्रेस ने दो टुकड़े किए तो इसको भी स्वीकार करो, इसको भी स्वीकार करो कि एयर स्ट्राइक मोदी ने किया, सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने किया, इसको भी स्वीकार कर लो। नहीं, यहाँ पर नहीं, ये सेना ने किया, वहाँ इंदिरा गांधी ने की, यही सोच ये लोग। लेकिन पाकिस्तान के हाथों में आज कटोरा आ गया है, भुखमरी के इतने हालात हो गए, किस क्या कारण देखते हैं आप इसके? जाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान को छोड़ो, ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं कर्ज लेके पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार, यहाँ स्थिति क्या ये लोग कर देंगे? ये केसीआर मुफ्त में बांटेंगी, ममता बनर्जी मुफ्त में बांटेंगी, ये लाइव एग्जांपल है। ये जो मुफ्त कर्जा लो घी पियो, कर्जा लो घी पियो, जो भगवंत मान कहता है 100 करोड़ का कर्जा दे दो, उसका आज दिल्ली सरकार कर्ज में डूबे जा रही है, लेकिन हमको वोट लेना है इसीलिए फ्री की रेबरी बांटेंगे। इसी के पाकिस्तान की छोड़ो, दिल्ली और पंजाब का क्या हाल होगा? भारत की उन्नति, भारत का विकास, भारत की तुमसे शादी करना चाहती है, वो कह रही है सनातनियों से शादी करोगे? अरे तुम तो तिलक धारी हो भाई, बुरा काहे मान रहे हो? अब तो वहाँ की लड़कियाँ कह रही है कि भैया हम सनातनी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो आटा भी 160 रुपए लीटर हो गया है। मतलब इनको आटा दे के सनातनी, आटा दे के सनातनी कभी किसी गैर मजहबी वाले को, पहले सुनो, आटा दे करके किसी गैर मजहबी को सनातनी नहीं बनाता है। सनातन हिंदू तो कभी आटा चावल देकर हिंदू नहीं बनाता है, ये वो बनाते हैं जिनको अपने धर्म पर अब विश्वास नहीं है। वो 5 किलो आटा देकर पंजाब में नशा देकर के पंजाब में धर्म परिवर्तन कराते हैं। 2024 में वोट मानने प्रधानमंत्री जी के विकास किया है, घर दिया, जल, लाइट, पानी, तो देश खुशहाल है, आज देश के लोग भी खुशहाल है। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार होते थे उसे भी बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे उसे? करना चाहिए व्यापार, बंद करना चाहिए, क्योंकि हमें उनसे क्या मतलब है? जो बंटवारा हो गया था, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? रोजगार व्यापार जो करना है तो हमें यहाँ के मुसलमान के साथ करना चाहिए, गलत है। पाकिस्तान में यहाँ भारत को छोड़ देना चाहिए व्यापार करना, कुछ भी व्यापार नहीं करना चाहिए। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, ना हमें उनसे लेना देना है, और ना हमारी तुलना उनके साथ मुसलमान करो, क्योंकि वे क्राइम करते हैं, वे भ्रष्टाचार करते हैं, वे अपराध करते हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है, वे नाम के मुसलमान हैं। भारत का मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान है, भाईचारा चाहता है, प्रेम मोहब्बत, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख भाई मिलकर रहते हैं। क्यों आप उनको खुद से अलग क्यों मानते हैं? अगर बात करें तो कम्युनिटी की, हो तो सेम ही है, फिर आप उनको खुद से अलग क्यों मानते हैं? उन्हें अलग हम इसलिए मानने हैं, देखिए वहाँ भी तो हिंदू रहे, कितना उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके साथ कैसा जुलूम किया जाता है। यहाँ भी तो हिंदू रह रहा है, यहाँ भी तो मुसलमान रह रहे, कितना भाईचारा है, प्रेम है, मोहब्बत है, इंसानियत है। देखियो मैं अकेला मुस्लिम हूँ, यहाँ 1000 हिंदू खड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ 1000 के बीच में एक हिंदू खड़ा नहीं हो सकता, मुसलमान के बीच में खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ जुलूम किया जाता है, बहुत जुलूम किया है उनके साथ लोगों के, मैं जानता हूँ दिल से, लेकिन यहाँ का मुसलमान बहुत शिक्षित है, बहुत समझदार है। सर, अभी जो हालात पाकिस्तान के, वो कांग्रेस के टाइम में ऐसे क्यों नहीं थे? तब जिस तरीके से आतंकवाद वगैरह होता था, अब हो रहा है तो उसको पलटवार किया जा रहा है, पहले ही स्थितियाँ क्यों उत्पन्न नहीं हुई? देखिए कांग्रेस ने आज तक किया क्या है? उन्होंने आतंकवादी किया, उन्होंने देश को तोड़ा ही है, देश को जोड़ा कब है उन्होंने? उन्होंने हमेशा नफरत की बात की, उन्होंने जो राजनीति की मुसलमानों के ऊपर की है, उन्हें कभी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि कभी ये जाग जाएगा तो ये बहुत चीज़ें मेरे से सवाल करेगा। उससे पहले देश गांव के अंदर कितनी गरीबी थी, गांव के लोग परेशान थे बेचारे, रोड से बहुत समस्या थी गरीबों के साथ में। तो जब से मोदी जी आए, पूरा आज गाँव, शहर, कस्बे, जिले खुशहाल है। आज ऐसा लगता है तुम बहुत अच्छी जगह आ गए, देश आज बहुत खुशहाल है, देश का मुसलमान भी खुशहाल है। 2024 में हम जिता के
संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। देश कहाँ था, कैसे देश के रोड थे, कितनी समस्याएं थी देश के अंदर। आप पहले आप दफ्तर में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, काम नहीं होते थे, बहुत समस्या थी। आज कोई से विभाग में चले जाइए, कोई से दफ्तर में चले जाइए, आज बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी बहुत अच्छा काम। अच्छा सर, पाकिस्तान के मुसलमानों को अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस बारे में क्या सोचता है, तो आपकी क्या राय है? क्या बोला मैडम आपने, क्या कहा? मैंने आपसे ये पूछा कि पाकिस्तान के जो मुसलमान है, भारत का हिंदुस्तान का मुसलमान, उनको क्या कहना चाहेगा, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, ना उनसे कोई लेना, क्योंकि जब वे हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे, हमें ना उन्हें जानते ना हमें जानते। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम यहाँ धरतियों पे पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने, हमारे महापुरुषों ने बड़ा खून बहाया इस देश के लिए, हमारे बड़ों ने, तो हम इस देश की गुण गाएंगे।